नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान के सीरीज का पार्ट 7 है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल बैंक पीओ व अन्य प्रतियोगी परीक्षा हेतु हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, रक्त से संबंधित अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस विज्ञान में रक्त से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की ऑप्शंस की। हेपेटोलॉजी, दोस्तों हेपेटोलॉजी में इसमें रेंगने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है, जबकि हॉर्टिकल्चर में दोस्तों इसे हिंदी में उद्यान विज्ञान कहा जाता है, इसमें फल फूल सब्जी तथा पौधों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं पेडोलॉजी की। दोस्तों पेडोलॉजी से संबंधित है मृदा विज्ञान, यानी इसमें मिट्टी व मिट्टी के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए मोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं पायरोमीटर के बारे में। यह उच्च तापों को मापने वाला यंत्र होता है, जैसे सन की रेडिएशन यानी सूर्य का तापमान मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। यह सूक्ष्म दूरी को मापने वाला यंत्र होता है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मापने में माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। बात करते हैं इस क्वेश्चन की ऑप्शंस की। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की खोज की थी, जबकि ऑटो हॉन ने परमाणु बम की यानी एटम बम की खोज ऑटो हॉन ने की थी, जबकि एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन गहराई से बनता है तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता में एक जगह है, उसका नाम है जाधव नगर। जाधव नगर में सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में और भी इंस्टीट्यूट स्थित, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम कलकत्ता में स्थित है, जबकि बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कलकत्ता में स्थित है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर या पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च स्टेशन या पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से लाइसोसोम को जो एटम बम कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में। दोस्तों माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि सोलर सेल या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बात करते हैं मोमबत्ती के बारे में। दोस्तों मोमबत्ती या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों प्रश्न नंबर 7 से पहले बता दूं आपको, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचेंट ने किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों उत्तक यानी टिश्यू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचेंट महोदय ने किया था। मनुष्य का शरीर 10^14 कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा
हिस्टोलॉजी कहा जाता है, यानी हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हिस्टोलॉजी की स्थापना मार्सेलो मेलपिधी ने की थी। किसने की थी? मार्सेलो मेलपिधी ने हिस्टोलॉजी की स्थापना की थी। बात करते हैं हिस्टोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, तो दोस्तों हिस्टोलॉजी शब्द का जो नाम था मेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन तथा लिपिड के योग से बनी होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, अस्थि की मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों अस्थि की जो मैट्रिक्स होती है वह ओसिन प्रोटीन से बनी होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अस्थि की मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन की बनी होती है, जबकि उपास्थि यानी कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होती है वह अर्ध ठोस होती है या कांड्रिन नामक प्रोटीन का बना होता है। दोस्तों उपास्थि मैट्रिक्स में अनेक छोटी छोटी थैलियाँ पाई जाती हैं जिसे रिक्तियाँ अथवा गतिकाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों मछलियों में 16% प्रोटीन पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मछलियों में 16% तक प्रोटीन पाया जाता है। मछली का जो हृदय होता है वह 2 कक्ष यानी 2 चैम्बर में विभाजित होता है, जबकि मनुष्य का हृदय 4 कक्षाओं में विभाजित होता है। दोस्तों प्रोटीन शरीर की रचना और मरम्मत के लिए अति आवश्यक होते हैं। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। दोस्तों जो मछली होती है वह श्वास अपने गिल्स के द्वारा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जीवों में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों जीवों में 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिनों का पता लगाया गया है। विटामिनों को वृद्धि तत्व कहा जाता है। 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? 1881 में लूनिन महोदय ने विटामिन की खोज की थी, जबकि विटामिन थ्योरी हॉकिंग एवं फंक ने 1912 में दी थी। विटामिन 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 13 प्रकार के जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में अति आवश्यक होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। बात करते हैं जल में घुलने वाले विटामिन को कौन कौन से, विटामिन बी तथा विटामिन सी जो होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए डी ई और के यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 13, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह एसएससी तथा यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों पेलाग्रा जो रोग होता है विटामिन B5 की कमी से होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। दोस्तों विटामिन B1 होता है इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, जबकि विटामिन B3 की कमी से बांझपन होता है, जबकि विटामिन B12 की कमी से मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए जो होता है यह शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, भूपटल से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है। दोस्तों भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट से अर्थ के कोर की ओर जाने की तरफ जाने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है, यानी तापमान बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अर्थ क्रस्ट यानी सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे खोदते हुए जमीन को, तो आपको तापमान बढ़ता हुआ महसूस होगा। यह तापमान कितना बढ़ता है आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों भूपटल से भूगर्भ की आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती जाती है। यह प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें नोट करते चलिए, हर 32 मीटर की गहराई पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान वृद्धि पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16,
पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? दोस्तों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन जो मुख्य अंतर होता है वह कोशिका भित्ति के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की जो एवरेज हाइट होती है वो 12 से लेकर 14 किलोमीटर के बीच में होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होते हैं, यानी जितने प्रकार के मौसम होते हैं, बादल का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि सभी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में ही घटित होते हैं। दोस्तों, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर जबकि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है वह 18 किलोमीटर होती है, जबकि जो इसकी एवरेज हाइट होती है वो 12 से लेकर 14 किलोमीटर होती है। यह गर्मी व सर्दी में घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जो तापमान होता है 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। यह सबसे खासियत होती है ट्रोपोस्फीयर की। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18 किस प्रकार के बादलों को भेड़ मेघ अथवा ऊन के प्रकार के मेघ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्टो कैमुलस क्लाउड्स को भेड़ मेघ अथवा ऊन के प्रकार के मेघ कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर है इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, एल्ट्रो कैमुलस क्लाउड यह बादल परतों में पाए जाते हैं, यानी लेयर्स में पाए जाते हैं। बात करते हैं निम्बो स्ट्रेटस के बारे में। यह बादल काले रंग का होता है जो निरंतर वर्षा तथा हिम देते हैं, इन्हें निम्बो स्ट्रेटस बादल कहा जाता है। बात करते हैं एल्ट्रो स्ट्रेटस की। यह सूर्य तथा चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। यह उच्च स्तरीय मेघ बादल होते हैं। यह वर्षा का पूर्व आभास देने वाले बादल होते हैं। कौन होते हैं? वर्षा का पूर्व आभास एल्ट्रो स्ट्रेटस बादल देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सीरियस क्लाउड्स की। यह मेघ चक्रवात के आने के संकेत होते हैं। दोस्तों, ये सभी बादलों के प्रकार हैं, आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कृत्रिम पायस का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो कृत्रिम पायस का उदाहरण है वह पेंट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, पायस यानी इमोल्यूशन जब किसी कोलाइडी में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में प्रतिस्थापित हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलते, इसे पायस कहते हैं। दोस्तों, पायस बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह पायसीकरण कहलाती है। दूध जो होता है वो प्राकृतिक पायस का उदाहरण है, जबकि जो कृत्रिम होता है वो पेंट होता है। पेंट कृत्रिम पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 कांसा निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जो कांसा होता है वो तांबा तथा टीन से बनाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तांबा तथा टीन से कांसा यानी ब्रोंज बनाया जाता है। तांबा तथा जिंक से पीतल बनाई जाती है। आदि मानव द्वारा सबसे पहली धातु तांबा ही खोजी गई थी। दोस्तों, आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSC Maker से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।